नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रीना इंसा जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। रीना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने समय से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा? पहले तो धनत्रयासरा, पहले तो बेपरा मस्ताना जी के जन्म माँ के सारी सात संगत को लख लख बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। कितने समय से आ रही है मैम डेरा? हमें 10 साल हो गया जी। कैसा माहौल लगता है मैम? माहौल तो बहुत अच्छा है हमारे को जी। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसे है मैम? बहुत लड़कियाँ यहाँ पे अच्छी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हम देख रहे हैं। कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? कुछ नहीं, मीडिया वही झूठ मारती है जी, कोई नहीं, बस बना बना के मीडिया दिखा रही है। मीडिया सच दिखाती नहीं है, ना सच दिखाती है कि सारी संगत टूट जाए, जोड़ने का तो कोई नाम ही नहीं है। मीडिया तो सारी ज़िंदगी झूठ बोलती है, कभी सच बोल दे। आरोप भी लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, क्या लगता है आपको? मैंने तो बस सही सारे झूठ झूठ आरोप लगा रहे हैं, ऐसे हमारे पिताजी है नहीं, सारे झूठ झूठ लगा रहे हैं आरोप। फिर सच क्या है, संत जी का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा? अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। मान पुला की सेवा भी करते हैं जी, बहुत दिन दुखी मदद भी करते हैं पिताजी, बहुत अच्छे हैं। हम तो कहते हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए? बहुत कुछ किया है जी, ब्लड दान करवाते पिताजी, गरीबों को राशन दिलवाते पिताजी, सारा कुछ करवाते हैं जी। क्या आज आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज की? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है। अगर वो पिताजी नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है जी, सारी दुनिया हो रही है। उनके ना रहने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत बुरा हाल हो रहा है जी समाजों का, कोई हाल नहीं, कोई वो नहीं। हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी पिताजी को हमारे भेजे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द सन डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी समाज में आए, ये जनता की मांग है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।